अगर आप बाहर का खाते हो, देखो बाहर ब्रेड बनता है, आप देखना माताओं अनुभव है, मैदा आप घर में 10 दिन रखो क्या होता है, गेहूं का आटा 10 दिन घर में रख दो क्या होता है, कीड़ा होता है ना उसके अंदर बारीक बारीक, तो बोरी का बोरी फैक्ट्री में भरी रहती है, उठाया डाल दिया, कोई साफ करता है इतना, तो तब क्या सोचना चाहिए बाहर की चीज खाते समय बाहर का क्यों करना चाहिए, घर में बना सकते हो, है ना, कितना पसीना है, कितने कोई हाथ साफ करते हैं, तो सफाई नहीं है, उनको पैसे कमाना है, उनके आपकी जीवन की वैल्यू नहीं है, तो बाहर का चीज खाते समय बहुत सोचना, कुछ नहीं मिल रहा, जीने के लिए कब कुछ चाहिए तब खाना चाहिए, तब तक अपने हाथ से बना के खाना चाहिए, कहीं भी जाते हो लेके जाओ, फिर खाना खा के प्लास्टिक कागज या कुछ भी, केला खाया फल खाया रास्ते पर नहीं फेंकना चाहिए, कि फेंकना चाहिए माताएं बताओ, तो भारत को स्वर्ग कौन बनाएंगे, हाँ हाथ उठाओ देख लो कौन बनाएंगे, हाँ भारत पिता और पिताजी दोनों बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण, कभी भी आज के बाद कभी रास्ते पर जाते थूकना नहीं, बस पर जाते हो ट्रेन में जाते हो कुछ खाया एक प्लास्टिक की थैली रखो, कुछ भी थैली बच गया प्लास्टिक की थैली में रखो, बाहर आके कितने के डब्बे में डालो, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी में बैठे बैठे थूकते हो, कुछ खाया वहीं, ट्रेन में भी चाय पिया वहीं रखते हो, तो ब्रह्मा कुमार ऐसे भगवान के बच्चे ऐसे करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे, तो अपने कर्मों से औरों को सिखाना चाहिए, तो समझ में आया पवित्रता किसको कहते हैं, मंजूर ठीक है।